बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। वर्तमान शासन विधान तो हमारी मर्जी के खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत कर हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे आप हरगिज स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए, न मालूम कब बिगुल बज उठे। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से हमें लाभ उठाना चाहिए। भारत को भी दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के साथ ही जीना मरना है, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है। अभी तो हम इच्छा रखते हुए भी हिंदुस्तान के बाहर उपनिवेशों में बसे हुए अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते, जबकि रोज रोज उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का भूत बेतरह सताता है। वे भी हमारे ही खून है, हम उन्हें भला कैसे भूल सकते हैं। भारत आज चिरकालीन शोषण के कारण दरिद्रता की चक्की में पीस रहा है। महामारी आदि बीमारियों का भारत घर हो रहा है। निरक्षरता अभी फैली हुई है। वैज्ञानिक साधन हमें मुयस्सर नहीं जिससे खेती की उन्नति कर सके। दो शाम रोटी मुहाल है। इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि आज़ादी है। वो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। करोड़ों की संख्या में कांग्रेस के सदस्य बनिए और कांग्रेस के आदेशों के पालन में तन मन धन और प्राण की बाजी लगाने को तैयार रहिए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आज़ाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा।